हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्क्रब लेकर आई हूं ना, जो बाजार में बिकने वाले महंगे महंगे स्क्रब को फेल कर देने वाला है। इतना असरदार स्क्रब है ना ये, जो हमारे फेस की गंदगी तो निकालेगा ही निकालेगा और हमारी स्किन को, हमारे फेस को एकदम ग्लोइंग बना देगा, फेयर बना देगा, रिंकल फ्री बना देगा। इतना अच्छा हमारा ये जो स्क्रब है, तो बिल्कुल फ्री में बनने वाला है हमारा स्क्रब है, जो इसके लिए एक रुपया भी आपका खर्च नहीं होने वाला। घर में पड़े हुए सामान से ही हमारा ये स्क्रब है जो तैयार हो जाएगा। और घर में पड़ा हुआ सामान क्या है, वो सामान तो जो हम देखिए, रोज हम लोग रोटी खाते हैं, हम डेली गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। जब भी आटा गूंथते हैं तो आटे का जो ऊपर का छानने के टाइम पर, आटे को छानने के टाइम पर जो हमारा वेस्ट निकलता है, हम कई बार क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन वो जो वेस्ट है ना, वो इतनी कमाल की चीज है ना, इतनी फायदेमंद चीज है ना वो, अगर उसका हम पैक भी बनाकर लगाएंगे ना, तो आपकी स्किन पर जादू दिखाएगा वो पैक है। लेकिन आज हम एक स्क्रब के तौर पर इसे बनाएंगे, आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे बनाना है इसको। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। कई लोग क्या करते हैं, स्किप कर देखते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो भी स्किप कर देखते हैं। लेकिन ऐसा मत करना प्लीज, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, और जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। तो ये है जी, हमारे आटे में से जो वेस्ट निकलता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग तो इसे पंजाबी में सूड़ा बोलते हैं। आप अगर कुछ और बोलते हैं तो मुझे कमेंट कर प्लीज जरूर बताना, आप लोग इसे क्या बोलते हैं जो आटे का वेस्ट रहता है। अगर आपके आटे में से नहीं निकल रहा, मेरे भी वैसे नहीं निकल रहा था ये, क्योंकि मेरी छन्नी है जो आटे वाली थोड़ी सी मोटी थी, और मैंने फिर क्या किया, बारीक छन्नी ली जो मैदा छानने वाली होती है वो ली, तो ये जाकर ये एक चम्मच के करीब निकला है। एक बड़ा चम्मच मैंने निकाल लिया है कैसे कैसे कर। आप भी जो चाय छानने वाली छन्नी रहती है, वो जो स्टील की रहती है, उससे भी निकाल सकते हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये 1 टेबल स्पून ले लिया है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया है हनी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। बस इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए उतना दूध डालेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डालकर इसे थोड़ा पतला कर लिया है। तो ये देखिए जी, ये हमारा स्क्रब बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। और देखिए, सबसे पहले तो आपको फेस अपना वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी फेस पर अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, नहीं कोई भी डस्ट वगैरह होती है हमारे फेस पर, अगर आप बिना वॉश करे लगा लेंगे तो जो डस्ट है अंदर के अंदर ही रह जाएगी, और हमारी स्किन पर पिंपल्स वगैरह, ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक दाने रहते हैं ना, फिर वो निकल आते हैं। तो इसीलिए फेस को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो चलिए जी, लगाना शुरू करते हैं। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप डायरेक्ट भी हाथ से भी लगा सकते हैं, और मैं थोड़ा सा बस अपना ये ब्रश यूज कर रही हूं। बस इस तरह हमें लगा लेना है, और इसको पूरे फेस पर लगा के हमें थोड़ी देर तक रखना है, 5-7 मिनट्स तक रखेंगे इसको, और उसके बाद फिर हम इसकी हल्की हल्की मसाज करेंगे। देखिए, 5 मिनट के बाद मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पर मसाज कर लूंगी, स्क्रब कर लूंगी, यानी कि इससे क्या होगा, हमारी जो ड्राई स्किन होती है वो भी निकल जाएगी, और हमारे स्किन पर, फेस पर जो डर्ट वगैरह रहती है वो भी निकल जाएगी। और देखिए, आंखों के आजू बाजू भी आप हल्के हल्के हाथ से ये करेंगे, तो आंखों के ऊपर भी मैं कर रही हूं। देखिए, आंखों के ऊपर जो हमारा डार्क एरिया रहता है वो भी क्लीन हो जाएगा इससे। तो हमने इसमें जो दूध और हनी डाला था, उससे ये हमारी स्किन है जो मॉइस्चराइज होगी, हमारी स्किन है जो बाद में ड्राई ड्राई नहीं होगी। अगर आपको स्किन थोड़ी आपकी ड्राई लग रही है वॉश करने के बाद,
तो आप उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, नहीं तो फिर हनी लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए। एलोवेरा जेल के अंदर आप बादाम का जो ऑयल रहता है, बादाम रोगन बोलते हैं, उसका एक ड्रॉप डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डालकर बाद में लगा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी 5-7 मिनट मसाज कर ली है, अभी मिलते हैं फेस वॉश करने के बाद में। तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके। तो देखिए, एक बार लगाने से ही हमारी स्किन देखिए एकदम, देखिए ये सॉफ्ट हो गई है स्किन। अभी इसके ऊपर हमें कुछ भी लगाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे आदत है, मैं कुछ भी लगाती हूँ, पैक वगैरह या फिर स्क्रब वगैरह करती हूँ, तो मैं उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर जरूर लगाती हूँ। आप भी जरूर लगाया कीजिए। तो देखा गाइस, कैसे हमने हमारी वेस्ट हुई चीज को यूज में लाया और उसका 100% हमने फायदा लिया है। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होगी, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।